इसराइल और लेबनान के बीच जंग का मोर्चा ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का गुबार फूट सकता है, क्योंकि इसराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू ने डायरेक्ट वार्निंग जारी कर दी है। देखिए, हिजबुल्ला के पलटवार से दिल मिलाया इसराइल। नेतन्याहू की हिजबुल्ला को सीधी धमकी। अपनी करतूतों का अंजाम भुगतने का हिजबुल्ला। इसराइल और लेबनान के बीच तनाव की लहर अब इस कदर भयानक रूप ले चुकी है, शहर के शहर इस बारूद की लहर में समा सकते हैं। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा रॉकेट हमलों के बाद हालात भयंकर रूप ले चुके हैं। इसराइल के उत्तरी इलाके में हुए इन रॉकेट हमलों में सैन्य हवाई अड्डों को टारगेट किया गया। हाइफा शहर में हुआ यह हमला इतना भयानक था कि इस हमले में इसराइल की कई इमारतें ध्वस्त हो गई और कई कारों में आग लग गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक उत्तरी इसराइल में रमत डेविड एयरबेस को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रमत डेविड बेस जायुनी यूनिट के 3 मेन एयरबेस में से एक है, जिसका लेबनान और सीरिया के लिए रणनीतिक महत्व है। ये बेस हाइफा तिब्रेत एक्सिस पर स्थित है। लड़ाकू और जासूसी विमान यहीं से उड़ान भरते हैं। इसके चारों तरफ एडवांस मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। हिजबुल्ला के इन हमलों ने इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के गुस्से को सातवें आसमान पर ला दिया है और अब इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला को दी गई धमकी तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को उन हमलों की याद दिलाने की कोशिश की है जिन हमलों ने महज कुछ मिनटों के भीतर लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא יבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון. בנג'מין נתניהו נה אפנה מסג' מן סאף קר דיה ה, כי אגר חיזבאללה פורנה המלו סה סבק נהי לטה, तो उसे इसराइल पर हमलों की इतनी भारी कीमत चुकानी होगी कि लेबनान से हिजबुल्ला के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। उसका ट्रेलर इस वीडियो में देखा जा सकता है। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में इसराइल की वायुसेना ने गाजा स्ट्रिप पर धुआंधार बमबारी कर दी। इसराइल की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्ला के सहयोगी हमास को टारगेट करने के लिए यह हमला किया गया है। इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि यह हमला उस स्कूल पर किया गया जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, यानी इसराइल की सेना हिजबुल्ला और उससे जुड़े किसी भी संगठन को तबाह करने की सौगंध खा चुकी है। היה השבוע קשה ביותר בתולדותיו של חיזבאללה ובמיוחד היממה האחרונה. הפעולה של צהל בדחיה רבת משמעות, רבת חשיבות ורבת עוצמה. इसराइल और लेबनान के बीच बेकाबू होते हालात पर अमेरिका की नजरें भी लगातार बनी हुई हैं। इसी सिलसिले में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कर्बी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। हम पिछले लगभग एक हफ्ते से बढ़ रहे सभी तनावों को बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं। हम इसे पूर्ण युद्ध बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते हैं।
इस वक्त दुनिया के देशों की चिंता का केंद्र मिडिल ईस्ट के हालात हैं, क्योंकि यहां से उठा युद्ध का बवंडर किसी भी वक्त किसी देश को अपने जद में ले सकता है।